कछुए और खरगोश की कहानी एक प्रसिद्ध लोक कथा है जो हमें धैर्य, निरंतरता और अहंकार से बचने की शिक्षा देती है। आइए इसे और विस्तार से जानें। कछुए और खरगोश की कहानी। एक समय की बात है, एक घने और हरे भरे जंगल में एक तेज खरगोश और एक धीमा कछुआ रहते थे। खरगोश अपनी तेज गति पर बहुत गर्व करता था और अक्सर कछुए की धीमी चाल का मजाक उड़ाता रहता था। खरगोश की चुनौती। एक दिन खरगोश ने कछुए को चिढ़ाते हुए कहा, कछुए भाई, तुम बहुत ही धीमे हो। अगर मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाऊं तो मैं तुम्हें कुछ ही मिनटों में हरा दूंगा। कछुआ, जो शांत और समझदार था, ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है खरगोश भाई, चलो हम दौड़ में प्रतिस्पर्धा करते हैं। दौड़ की तैयारी। दौड़ का दिन आ गया। जंगल के सारे जानवर इस अद्भुत दौड़ को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। कुछ जानवरों ने कहा कि यह दौड़ बहुत ही असमान है, क्योंकि कछुआ कभी खरगोश को हरा नहीं सकता। लेकिन कछुआ दृढ़ निश्चय के साथ तैयार था। दौड़ शुरू होने से पहले उन्होंने एक निर्धारित रास्ता तय किया और फिनिश लाइन को चिन्हित किया। दौड़ की शुरुआत। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, खरगोश बिजली की तरह दौड़ता हुआ आगे निकल गया और जल्दी ही कछुए से बहुत आगे पहुंच गया। उसने सोचा कि कछुआ तो बहुत धीमा है, तो उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने का फैसला किया। खरगोश की आलस्य। खरगोश ने पेड़ के नीचे लेटकर आराम करना शुरू किया और धीरे धीरे नींद में खो गया। उसे पूरा विश्वास था कि कछुआ उसे कभी भी हरा नहीं सकता। कछुए का धैर्य। वहीं दूसरी ओर कछुआ लगातार अपनी धीमी लेकिन स्थिर गति से चलता रहा। उसने बिना रुके और बिना थके अपनी मंजिल की ओर बढ़ना जारी रखा। वह दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ आगे बढ़ता रहा। खरगोश की नींद खुलना। कुछ समय बाद जब खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा कि कछुआ फिनिश लाइन के करीब पहुंच चुका था। उसने घबराते हुए पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ की जीत। कछुआ फिनिश लाइन पार कर चुका था और दौड़ जीत चुका था। जंगल के सारे जानवर कछुए की जीत पर खुशी से झूम उठे और उन्होंने कछुए की तारीफ की। बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धीरे धीरे और निरंतर मेहनत करने से सफलता प्राप्त की जा सकती है। अत्यधिक आत्मविश्वास और आलस्य के कारण अक्सर हम अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं। सफलता के लिए धैर्य, निरंतरता और मेहनत महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह भी समझ आता है कि किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि सच्ची मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह कहानी न केवल बच्चों को बल्कि बड़ों को भी प्रेरणा देती है कि मेहनत, धैर्य और निरंतरता से बड़ी मंजिल को भी हासिल किया जा सकता है। धीरे धीरे कदम बढ़ाए, मेहनत से ही लक्ष्य पाए, आत्मविश्वास हो पर आलस्य नहीं, निरंतरता से मिलेगी सफलता। वही एक जंगल में रहते थे कछुआ और खरगोश, तेज दौड़ता था खरगोश, कछुआ चलता धीमा धीमा। धीरे धीरे कदम बढ़ाए, मेहनत से ही लक्ष्य पाए, आत्मविश्वास हो पर आलस्य नहीं, निरंतरता से मिलेगी सफलता। वही एक जंगल में रहते थे कछुआ और खरगोश, तेज दौड़ता था खरगोश, कछुआ चलता धीमा धीमा। धीरे धीरे कदम बढ़ाए, मेहनत से ही लक्ष्य पाए, आत्मविश्वास हो पर आलस्य नहीं, निरंतरता से मिलेगी सफलता। वही खरगोश ने कछुए से कहा, आओ एक दौड़ लगाए, कछुआ बोला क्यों नहीं, दौड़ में हम भी आए। धीरे धीरे कदम बढ़ाए, मेहनत से ही लक्ष्य पाए, आत्मविश्वास हो पर आलस्य नहीं, निरंतरता से मिलेगी सफलता। वही
शुरू हुई भागा खरगोश, तेजी से वो आगे बढ़ा, सोचा उसने आराम करूं, कछुआ तो बहुत पीछे पड़ा। धीरे धीरे कदम बढ़ाए, मेहनत से ही लक्ष्य पाए, आत्मविश्वास हो पर आलस्य नहीं, निरंतरता से मिलेगी सफलता वही। बैठ गया वो पेड़ तले, नींद उसे आ गई, कछुआ धीमे धीमे चलता, फिनिश लाइन पास आ गई। धीरे धीरे कदम बढ़ाए, मेहनत से ही लक्ष्य पाए, आत्मविश्वास हो पर आलस्य नहीं, निरंतरता से मिलेगी सफलता वही। खरगोश जब जागा, देखा उसने कछुआ पास फिनिश लाइन, दौड़ पड़ा वो पूरी ताकत से, पहार गया पाई न जीत की राय। धीरे धीरे कदम बढ़ाए, मेहनत से ही लक्ष्य पाए, आत्मविश्वास हो पर आलस्य नहीं, निरंतरता से मिलेगी सफलता वही। कछुआ जीता मिला उसे मान, धैर्य और निरंतरता से पाया समान, सीखा हमने आलस्य न करे, मेहनत से ही सफलता को धरे। धीरे धीरे कदम बढ़ाए, मेहनत से ही लक्ष्य पाए, आत्मविश्वास हो पर आलस्य नहीं, निरंतरता से मिलेगी सफलता वही।